अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू योर चैनल द रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ काशिफ। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाईजान कर लो, आप लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप लोग दुबई और यूएई में जॉब ढूंढ रहे हैं और यहाँ की अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहते हैं, तो आज की वीडियो में एक दुबई की या यूएई की बहुत लीडिंग कंपनी है ऑटोमोबाइल, अल गुरैर कार्स और ऑटोमोबाइल यू कैन से, जो कि मल्टीपल पोजीशन में हायर कर रही है। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड है, जैसे कि अगर आप मैकेनिक हैं, मोटर मैकेनिक्स, प्लम पेंटर हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं, मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, और किसी भी तरह की टेक्निकल रिलेटेड सर्विसेज आप जानते हैं, ठीक है, आपने अपने मुल्क में काम किया हुआ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके अलावा सर्विस एडवाइज़र हो गए या बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड लिंक जो भी है, वो डिफरेंट मल्टीपल पोजिशंस के लिए ये अल गुरैर ऑटोमोबाइल हायर कर रही है। मेन स्क्रीन पे चलते हैं और आप वन बाय वन पोजिशंस देखते हैं, ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है वो भी जानते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द मेन स्क्रीन। तो जनाब, ये मल्टीपल पोजिशन के लिए हायर कर रही हैं। अगर आप मोटर मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, टेक्नीशियन हैं, पेंटर हैं, डेंटर हैं, ल्यूब टेक्नीशियन, डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन, हैवी व्हीकल टेक्नीशियन एक्सेट्रा, ठीक है, अगर आपके पास 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, ठीक है, GCC में, UAE में, प्रिफर करेंगे ये मल्टी ब्रांड सर्विस एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास अपनी कंट्री में भी कोई बड़ी मतलब ये कि लीडिंग ग्रुप का एक्सपीरियंस है, जैसे कि होंडा हो गई, निसान हो गई, गंधारा, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनीज़ हैं, अगर आपका वहाँ का भी एक्सपीरियंस है ना, तो भी ये आपको प्रिफर करेंगे। ये एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है, अगर आपको इसमें एंट्री भी मिल जाए ना, तो यू कैन सी दैट योर फ्यूचर इज़ सिक्योर और आप एक लॉन्ग अरसे में एक कंपनी में काम कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये सर्विस एडवाइज़र की पोजीशन के लिए भी हायर कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है कि विद बोथ बॉडी शॉप एंड मैकेनिकल एक्सपीरियंस, 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस इन GCC UAE, ठीक है। अच्छा, सर्विस एडवाइज़र डेफिनेटली मतलब ये कि ये वो काम होता है, जैसे कि आपके पास गाड़ी में कोई सर्विस कराने के लिए आता है तो आपको क्लाइंट को एडवाइस करना होता है, यानी कि आपको अपसेल करना होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर वो पेंट कराने के लिए है या मतलब हर कोई सी भी सर्विस कराने के लिए आया है, तो आप उसको एड ऑन कोई दूसरी सर्विस ऑफर करें ताकि आपकी सेल बढ़े। इसके अलावा ये व्हीकल इंस्पेक्टर भी हायर कर रहे हैं, जिसमें आपको 3 to 4 ईयर UAE एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें UAE एक्सपीरियंस मस्ट होगा डेफिनेटली, बिकॉज जो इंस्पेक्शन करनी होगी वो एज़ पर UAE लॉ के मुताबिक होगी और RTA लाइसेंस इज मैंडेटरी, ये ज़रूरी चाहिए होगा। RTA लाइसेंस डेफिनेटली आप अप्लाई करेंगे, वो एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो आपकी नॉलेज और ये तमाम चीज़ें आपको पहले सिखाते हैं, उसके बाद टेस्ट लेते हैं, आई थिंक प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है, तो आपके पास जैसे होता है तो आपको लाइसेंस इशू हो जाता है, तो ये लाइसेंस काफ़ी काम आएगा आपके अगर ले लेते हैं तो। इसके अलावा ये सीनियर टेक्नीशियंस बाइक से रिलेटेड, जूनियर टेक्नीशियन बाइक से रिलेटेड, ठीक है, ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस GCC या UAE में। अगेन, अगर आपके पास अपनी कंट्री का एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप बड़ी बड़े ब्रांड में होंडा हो गई या निसान हो गया या इस तरह का जो मर्सिडीज़, मित्सुबिशी, इस तरह के जो भी नाम है, अगर आपके अपनी कंट्री में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जूनियर टेक्नीशियन की भी जॉब मिल जाती है इसमें, तो भी आपके लिए करियर के लिए एक ज़बरदस्त मतलब ये कि अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा ये पार्ट्स एडवाइज़र बाइक से रिलेटेड हायर करें, ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई सर्विस करने के लिए आता है और पार्ट्स वगैरह उसको चेंज कराने हैं, तो डेफिनेटली आपने उनको एडवाइस करना होगा कि जैसे कि दूसरे पार्ट्स देख के अगर इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। डेफिनेटली वैसे तो ये अपसेल के लिए ज़्यादा मतलब ये कि यूज़ होता है एडवाइस। इसके अलावा कस्टमर सर्विस कोऑर्डिनेटर मांग रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपके पास ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस है, इसमें लिखा हुआ है विद इन UAE 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, डेफिनेटली नॉलेज इज़ नंबर वन, एंड अगर आपके अपनी कंट्री का भी एक्सपीरियंस है, अगेन बिग ब्रांड में, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, कस्टमर रिलेशन आप अच्छे बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये एंट्री लेवल पर जॉब दे देते हैं तो भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है।
इसके अलावा शोरूम सेल्स ऑफिसर डेफिनेटली इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने ज़्यादा मांगा है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऑफ कोर्स गाड़ियाँ और मतलब ये कि लग्जरी व्हीकल्स वगैरह ये सेल करते हैं, डेफिनेटली इसमें आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मैटर करती है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी बड़ी मैटर करती है, अरबिक डेफिनेटली इसमें काफ़ी काम आएगा। लेकिन अगर आपके पास बेहतरीन एक्सपीरियंस है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब ये कुछ जॉब्स थी अल गुरैर ऑटोमोबाइल कार एंड बाइक्स यू कैन से। अगर आपके पास इस बैकग्राउंड में कोई भी एक्सपीरियंस है तो ये कम डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये कंपनी बहुत बड़ी है, करियर ओरिएंटेड कंपनी है, मतलब यहाँ पे आप अगले 10 12 साल 20 साल के लिए अपने आप को सिक्योर जॉब के तौर पर महसूस कर सकते हैं और आपको और आपके लिए समझिए कि लॉटरी लग जाएगी अगर आपकी जॉब लगे तो, ठीक है ना। स्पेशली फॉर दोज पीपल अगर आपका टेक्निकल नहीं है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस है सर्विस एडवाइज़र में, स्पेशली सर्विस एडवाइज़र बहुत कम आते हैं, ठीक है। इसमें पार्ट्स को मतलब ये कि जो गाड़ियों के जो बाइकों के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको अपसेल करना होता है, जितना जितना सेल करेंगे उतना उतना क्या कहते हैं उसको आपका कमीशन बनता रहेगा, ठीक है ना। जो भी जिनका भी बैकग्राउंड है इस फील्ड से, ठीक है, वो ये समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई कुर्स चेयर मतलब ये कि उसकी कवर चेंज कराने के लिए आए तो आप प्लस उसमें अपना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ मतलब दिखाएं, महंगी से महंगी दिखाएं, ठीक है ना। इसके अलावा गाड़ी के अंदर दूसरे जो पार्ट्स हैं उसको भी कोशिश करें कि वो लेटेस्ट करके चेंज कराएं ताकि आपके शोरूम की सेल्स बढ़े, जैसे सेल बढ़ेगी वैसे ही आपके कमीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। खैर ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रिस्पांस आता है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में और डिफरेंट जॉब के साथ। थैंक यू वेरी मच।